कप्तान साहब, मुठभेड़ हुई है, कौन बदमाश है, किन मामलों में बातचीत चल रहा था और कितने हजार का इनामी बदमाश है? थाना सुभाष नगर क्षेत्र में आज रात्रि में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 का इनाम था और वो जनपद बदायूं का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी दौरान मुठभेड़ हुई है और ये एक शातिर अपराधी था। आज मुखबिर के थ्रू ये सूचना मिली थी कि इस अपराधी का मूवमेंट करैली गांव के पास एक बागीचे में है और वो अपने साथियों से मिलने का प्लान कर रहा है और उसके साथ किसी घटना को अंजाम दे सकता है। प्राप्त जानकारी पर जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो पुलिस टीम को देखते ही उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। तत्काल उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कोई आपराधिक इतिहास है अब तक या इस घटना के अलावा किसी और? जैसा मैंने बताया कि ये 50,000 का इनामी था और भमौरा थाना में 2018 में एक दुस्साहसिक डकैती विथ मर्डर की घटना हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। इसके बाकी आपराधिक इतिहासों के बारे में जानकारी की जा रही है और इसके पूर्व के आपराधिक इतिहास प्राप्त करके इस पर आगे और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे गैंगस्टर इत्यादि कार्रवाई की जाएगी। हाँ वो 2018 का